तो भाई और उनकी बहनों, आप लोगों का स्वागत है गाइस फिर से एक और न्यू गेम प्ले फ्रीडम। एंड आज का गेम प्ले भी ना बहुत ज्यादा ही अमेजिंग नहीं होने वाला है गाइस। आज इतना गंदे तरीके से मैं मरूंगा ना कैंपर्स के हाथों में, क्या ही बोलूं गाइस आप लोगों को। बाकी गेम प्ले अमेजिंग तो होने वाला है क्योंकि आज किस वाली गेम प्ले पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग अभी पुशिंग कर रहे होंगे तो। ओके, तो गेम प्ले को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मैं उतर चुका था चर्च पे, उतरते गए मेरे को नहीं मिलेगा, बंदा नहीं मिलेगा यार, सभी लोग कैंपिंग कर रहे हैं गंदे तरीके से। लेकिन तभी मेरे को यहाँ पर एक मतलब मैडम जी, जी हाँ मैडम जी दिख जा रहा है, जो कि भैया इधर कोई आए थे कैंपिंग करने को ही, शायद पता नहीं क्या करने आए थे, है ना, जिनको मैं निपटा देता हूँ बहुत ही प्यार से। और तभी सामने की तरफ कुछ बॉट्स वगैरह दिख जाते हैं जिनको मारना तो जरूरी है क्योंकि भैया कैंपर्स इतने भरे पड़े हैं ना कि भैया लिटरली गाइस। एक चीज मैंने देखा कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा पता नहीं, लेकिन लास्ट के जोन पे जानते हो, कसम से बता रहा हूँ, लास्ट का जोन था और कम से कम 10 से 15 बंदा अलाइव था। जी हाँ दोस्तों, और सभी के सभी भाई इतने गंदे कैंपिंग कर रहे थे, इतने गंदे कैंपिंग कर रहे थे, मतलब क्या ही बोलूंगा इसमें। टाइम को तो लगा भैया जी 15 के 15 बंदे सारे हीलिंग बैटल करने लगे है ना, लेकिन गाइस फिर सभी लोग बाहर निकले और भैया तबाही हुआ है ना। तो ऐसा गाइस गलत सीन हो रहा है, मतलब इतना गंदा गंदा कैंपिंग लेवल। अब देखो यहाँ पर मैं आता हूँ पायलट प्लाजा में और तभी मेरे को एक भाई साहब दिख जाता है जिसके पीछे मैं पड़ जाता हूँ। और यहाँ पर गलत सीन देखना, ये भी भाई दुम दबा के भाग रहे हैं, मतलब कोई बंदा फाइट लेने को राजी नहीं है गाइस। भाई साहब यहाँ पर मैं एक बंदे को निपटाने आया था लेकिन देखा कि भैया यहाँ तो दो दो बंदे थे, लेकिन इन दोनों बंदों को निपटा देता हूँ। अब गाइस सर मतलब एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि भैया कैंपिंग, इतना गंदा लेवल का कैंपिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा ना। और सच्ची बता रहा हूँ यार, हॉट ड्रॉप पे तो कोई आ ही नहीं रहा यार, मतलब कोई भी नहीं आ रहा हॉट ड्रॉप पे, सभी लोग भैया दूर दर मतलब जा रहे हैं, मतलब कोई कोई बंदा तो देख रहा हूँ भैया सीक्रेट आइलैंड पे भग जा रहे हैं ना, फिर जोन खत्म हो रहा है उसके बाद वो लोग आ रहे हैं असली मैप में, मतलब क्या ही बोलूं गाइस। अब देखो यहां पर मैं आता हूं ड्रॉप लूटने, तो यहां पर मेरे को ये वाला डार्ट से दिख जाता है जिसको मैं तगड़ा वाला गोली मारता हूं, उसके बाद मैं उसको फुटाने जा ही रहा था तभी पीछे से ये वाला बंदा मेरे को मारने लगता है। अब देखना इसको मैं थोड़ा सा डैमेज दूंगा, कुछ जैसे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया ना मैं सीधा रस बोल दिया। अब देखना गाइस उसके हाथ में क्या होता है, ठीक है मैंने सीधा तो रस तो बोल दिया लेकिन देखते रहना। यहाँ पर मैंने नेट भी किया, एक शायद डैमेज हो जाए या फिर किल भी हो जाए क्या पता, लेकिन कुछ होता नहीं है तो मैंने सीधा रस बोल दिया। देखो गाइस S12 के भाई साहब क्या ही बोलो, इसके हाथ में S12 का था लेकिन अपन S12 को उठा लेंगे है ना। अब देखो आज S12 के उठा तो लिया लेकिन आज S12 के चलाने में मतलब पता नहीं क्या हो रहा था मेरा, मतलब शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम, लेकिन पिंग तो भैया एकदम मस्त आ रहा था मेरा है ना, लेकिन पता नहीं क्या सिचुएशन था। यहाँ पर देखना एक बंदा होगा जिसके साथ गलत सीन होगा मेरा। ओके, अब मेरा पिंग सही नहीं था या फिर उसका पिंग सही नहीं था मुझे नहीं मालूम, बट गलत सीन तो होने वाला है, देखते रहो। अब इसको जैसे निपटाता हूँ तभी तगड़ा वाला फायर होता है एक कैंपर, जी हाँ वो देखो छुपा हुआ था इतने देर से। अब जैसे उसने मेरे को मारा तो सीधा रस बोल दिया, लेकिन देखना भाई साहब मतलब इतने क्लोज में मैंने दो दो स्टॉप का शॉट मारा उसको लेकिन मरा ही नहीं यार, पता नहीं क्या ग्लिच है ना। अब उसको तो निपटा नहीं पाता हूँ, उसके बाद गाइस आ चुके थे नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे। नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे मैं उतरते ही गाइस मेरे को DP और M45 मिल जाता है और सामने एक बंदा भी दिख जाता है जो कि बेचारा लेट लैंडिंग किया था, तो देख रहे हो लेट लैंडिंग करने का डिसएडवांटेज। ओके, अब देखो अभी देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं मारे तो अभी के बीच वीडियो को लाइक मारो। अब देखो इसको निपटाता हूँ तभी सामने की तरफ एक और बंदा मेरे को दिख जाता है और ये भी देखना कितना गंदा कैंपिंग करेगा।
मतलब फाइट लेने को कोई राजी ही नहीं है गाइस, फाइट ले ही नहीं रहा कोई। अब जब फाइट नहीं लेगा तो भैया किल भी मिलना बहुत मुश्किल होता है भैया, बंदे को खोजो फिर मारो भैया, बहुत दिक्कत होता है यार। देखा भाई साहब के पास शॉटगन था। अब गाइस यार आज किस वाली गेम प्ले पे मुझे मालूम है कि किल्स ज़्यादा नहीं होने वाला है, बट गाइस इतना मैं बता सकता हूँ कि आज का वाला गेम प्ले अगर आप लोग अच्छे से लास्ट तक देख रहे हो ना, तो आप लोगों को जब पुशिंग आप लोग करोगे ना तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा यार इस गेम प्ले से, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो उसको वहाँ पर तो निपटाता हूँ, लेकिन गाइस पायलट प्लाजा पे अभी भी छुपे रुस्तम थे। जी हाँ दोस्तों, कैंपर्स थे जो कि भैया निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद मैं इधर को आता हूँ तभी मेरे को यहाँ पर कुछ फुटस्टेप वगैरह आता है, तो यहाँ पर मैं चौकन्ना हो जाता हूँ कि भैया कैंपर्स कहीं से भी धाबा बोल सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बैकअप ले रहा था। तो भी मेरे को एक बंदा दिखता है, रॉकी भाई। ओके अब इसको भी निपटा देता हूँ। निपटाने के बाद वो बगी लेके भागने ही वाला था, लेकिन उसको मैं निपटा देता हूँ एंड टाइम पे। अब तभी गाइस मेरे को फुट से फुटस्टेप आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि शायद इधर को था। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को बॉट लग रहा होगा, लेकिन ये बॉट नहीं है। उसका नाम देखो, ये बॉट हो ही नहीं सकता, सिर्फ ड्रेस पहना तो वो बॉट के जैसा। तभी एक और कैंपर्स मेरे को दिख जाता है, मतलब कैंपर है ना, इसको भी निपटाता हूँ। उसके बाद सीधा मैं यहाँ से गाड़ी बीड़ी पकड़ूंगा और यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि भैया अपन को तो किल्स करना है ना, अपन को कैंपिंग नहीं कर रहा यार। मतलब कैंपिंग करके कॉन्करर पहुँच जाऊँगा ना तो भैया मज़े नहीं आएंगे है ना, इसलिए यार मारो केडी बढ़ाओ और भैया तगड़ा वाला कॉन्करर पहुँचो है ना। मुझे मालूम है ये ईजी नहीं है, ओके, लेकिन गाइज छुप छुप के खेलने में मज़ा नहीं आता डूड। अब गाइस आप लोग नीचे कमेंट में एक चीज़ ज़रूर लिखना कि आप लोग कैंपिंग मतलब कर रहे हो, मतलब कैंपिंग करते करते आप लोग वहाँ तक पहुँच रहे हो कॉन्करर पर, या फिर गाइस मेरे तरह खेल रहे हो, कहते घस घस के मार रहे हो है ना, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ सच बताना, यहाँ पर मैंने एक बंदे को देखा और यहाँ पर मैंने नेट किया, लेकिन गलत सीन देखो, क्या बोलो रे, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने भी सोचा था कुछ तो करेंगे तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे, पूरा मूड खराब कर दिया। सच्ची बता रहा हूँ यार, कल इतना पनौती था ना, कसम से बता रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ यार, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन पे मर रहा हूँ ना, मतलब और तो गेम प्ले मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ है ना, क्योंकि और गेम प्ले भी अगर दिखाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं गंदे तरीके से मरा हूँ, तो वो भी सिचुएशन अगर मैं आप लोगों को दिखाने बैठ गया ना तो भैया जी आप लोग मतलब कॉमेंट में हक दोगे, भैया तुम्हारे जैसा नूब मैंने आज तक नहीं देखा है ना। लेकिन क्या ही कर सकते गाइस, कल बहुत पनौती था, कसम से बता रहा हूँ, मतलब पनौती मेरा फ़ोन का था, इंटरनेट का था, या फिर मैं खुद पनौती था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ गलत सीन तो हो रहा था भाई, बहुत गलत सीन हो रहा था। अब गाइस क्या ही कर सकते हैं, ट्राई करेंगे कि आज बढ़िया खेले है ना। बाकी कल का गेम प्ले तो यही था कुछ, तो मैं आप लोग दिखा दिया। बाकी अगर आप लोग अभी कॉन्करर पुश कर रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग किस टायर में हो ये भी बताना, मतलब किस रैंकिंग में हो ये भी बताना। और आप लोग जैसे मैंने बोला कि आप लोग अभी कैसे खेल रहे हो, मतलब कैंपिंग करके कॉन्करर पहुँच रहे हो, या फिर थोड़ा सा सर्वाइव करके सर्वाइव करके कॉन्करर पहुँच रहे हो, या फिर गाइस मेरे तरह खेल रहे हो, कहते घस घस के मार के कॉन्करर पहुंच रहे हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना यार, क्योंकि आप लोग जब मेरे से कमेंट में बात करते हो ना तो भैया बहुत मज़ा आता है। ओके तब भी के भी जाओ कमेंट में लिखो एंड लाइक मारना है, ज़रूर मारना है, तब भी के भी जाओ लाइक भी मार दो और बस डांस करो मज़े करो है ना। तीते छोटे सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ सो मच एंड गुड बाय।